अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों जो लोग यूएई से इंडिया गए हैं और वहां पे फंस गए हैं, वापस इंडिया से यूएई आना चाहते हैं, और जो लोग यूएई में हैं, फंसे हुए हैं, परेशानी में हैं और वापस इंडिया जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक गुड न्यूज़ है, उनके लिए खुशखबरी है कि एयर इंडिया की तरफ से जो है कि लगातार 23 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई को इंडिया से यूएई, यूएई से इंडिया के लिए जो है कि फ्लाइट से हैं। पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस किस सिटी से इंडिया से यूएई के लिए फ्लाइट है और यूएई से किस किस सिटी के लिए यूएई से इंडिया के लिए फ्लाइट है, और आपको इसका टिकट कहाँ से मिलेगा, कैसे आपको टिकट बुक करना है, और इंडिया से यूएई वापस आने के लिए क्या क्या आपको मतलब कि रिक्वायरमेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको फ्लाइट के बारे में बता देता हूं दोस्तों। 23 जुलाई यानी कल के दिन 23 जुलाई को है, हैदराबाद से शारजा के लिए फ्लाइट है। उसके बाद फिर उसी दिन शारजा से हैदराबाद के लिए फ्लाइट है, वही फ्लाइट रिटर्न है। फिर 26 जुलाई को है दिल्ली से शारजा के लिए, उसके बाद फिर शारजा से लखनऊ के लिए, फिर दिल्ली के लिए है। उसके बाद 27 जुलाई को दिल्ली से शारजा के लिए, फिर शारजा से गया और दिल्ली के लिए है। फिर 28 जुलाई को दिल्ली से शारजा के लिए है, फिर शारजा से चंडीगढ़ और दिल्ली के लिए है। तो दोस्तों ये सिटी है जिसके तहत जो है कि एयर इंडिया की जो कि फ्लाइट इंडिया से यूएई और यूएई से इंडिया के लिए ऑपरेट की जाएगी। तो दोस्तों इसका टिकट आपको एयर इंडिया की वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहां पे आप टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आपको टिकट मिल जाती है तो आप इंडिया से यूएई आ सकते हैं या फिर यूएई से इंडिया वापस जा सकते हैं, या फिर इसका टिकट आपको कॉल सेंटर से बुक कर सकते हैं। जिस कॉल सेंटर का नंबर है 1860233147, ये आपको नंबर है कॉल सेंटर का, यहाँ पे आप कॉल करके आप टिकट बुक कर सकते हैं। या फिर ऑथोराइज यानी जिनको एयर इंडिया मतलब कि परमिशन दिया हुआ है, एजेंसी दी हुई है टिकट बुक करने की, तो ऑथोराइज ट्रेवल एजेंट से आप टिकट बुक कर सकते हैं। तो और दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आपको इंडिया से यूएई आने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। दोस्तों अगर आप इंडिया से यूएई आ रहे हैं तो आपके पास सबसे पहली बात की वैलिड वीजा होना चाहिए, रेजिडेंसी आपके पास वीजा होना चाहिए, विजिट वीजा या फिर न्यू वर्क वीजा जो इशू हुआ है वो आपको नहीं होना चाहिए। जो लोग यूएई से वापस इंडिया में गए हैं, फंसे हुए, वही लोग आ सकते हैं, इंडिया से वापस नया लोग नहीं आ सकते हैं नया वीजा लेके, ठीक है। दूसरी चीज आपको आईसीए का अप्रूवल होना चाहिए। अगर आप दुबई आ रहे हैं तो आपको दफरा का होना चाहिए, और उसके बाद अगर आप अबू धाबी आ रहे हैं तो आपको आईसीए का अप्रूवल होना चाहिए। उसके बाद आपके पास कोविड-19 का यानी कोरोना वायरस का नेगेटिव सर्टिफिकेट रिपोर्ट भी आपके पास होना चाहिए, उसके बाद टिकट होना चाहिए। तो चार चीज आपके पास होना चाहिए, उसके बाद बाकी एयरपोर्ट पे जो चेकअप होगा, जो प्रोसीजर होगा, जो काम होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, वो गवर्नमेंट की तरफ से होगा, आपको उसमें कोई चार्ज देना नहीं है और उसके लिए कोई आपको झंझट करना नहीं है। दोस्तों अगर आप लोग टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं, इंटरनेट के बारे में जानना चाहते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, और इंटरनेट और मोबाइल के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, टेक्निकल चीज़ें आप जानना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा एक नया चैनल है जिसका नाम है टेक ज्ञान। तो उस चैनल पे आपको इंटरनेट और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, तो जाइए उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर आप मुझे सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों इसी तरह से और भी एयरलाइन से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह से एयरलाइन से रिलेटेड और दुबई से रिलेटेड जो भी वीडियोस और न्यूज और खबर होती है, जॉब से होती है, वो सारा इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मैं आपके लिए लाता रहता हूँ।